पहले सेब नाले में बहाने का मामला सुर्खियों में रहा और अब बागवान को 1,00,000 जुर्माने पर सियासत सुर्ख हो गई है। बागवान पर 1,00,000 का जुर्माना लगने के बाद सरकार चारों ओर से घिर रही है। भाजपा ने मामले को लेकर सरकार का विरोध जताया और सरकार को सेब बागवानी विरोधी करार दे दिया। संयुक्त किसान मंच ने भी विरोध जताते हुए फैसला वापस लेने की मांग की। इसके बाद अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे राजनीति से प्रभावित काम बताया और कहा कि कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। क्या कहना है मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का, सुने विस्तार से। आपने बहुत स्वाभाविक बात की कि इसको भाजपा राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास पहले भी हुआ। जब वो सेब नाले में डाला गया वो भी राजनीतिक दृष्टि से किया गया था, उसको भी उसके पीछे भी भाजपा के लोग थे। और आप सब जानते हैं, मैं खुद बागवान हूँ, सेब को पैदा करने वाला हूँ। वो सेब था जो ख़राब हो जाता है, सड़ा हुआ सेब होता है जिसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, जो आप ये समझे कि MIS में भी नहीं जाता है। तो उसके ऊपर केस हुआ था, इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक विभाग ने जो है PCB ने अपने नियम के अनुसार उसमें उनको नोटिस काटा था, शायद वो वहाँ हाजिर नहीं हुए या क्या हुआ। ये एक नियम अनुसार कार्रवाई है, इसमें राजनीतिक दृष्टि से कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी। और ये विभाग इसको अपने लेवल पे मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट करेगा। नहीं, सवाल ये नहीं है कि 1,00,000 रुपये का जुर्माना है। सवाल ये था कि मंशा क्या थी, आपने क्यों किया, आपकी मंशा क्या थी, कौन सी सड़क बनती। जब इसकी जानकारी हमने भी ली है, लोगों से पता किया, तो वो सीधी तौर पे सड़कें बंद कोई नहीं थी, लेकिन वो राजनीतिक दृष्टि से डाला गया और उसको वीडियो बना के उसको भाजपा के लोगों ने उसको शेयर किया, भाजपा के नेताओं ने शेयर किया। उसके पीछे जो मंशा थी वो सब समझ रहे थे, तो कार्रवाई हुई है, वो तो नियमानुसार है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर वो जाएंगे उनके पास, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास, जिनको नोटिस आया है, ये वहाँ तक मामला है। इसमें भाजपा के लोग क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। एक रूटीन कार्रवाई है, वो आगे फाइन होगा या माफ़ होगा ये डिपार्टमेंट को देखना है, लेकिन भाजपा के लोग इसको दोबारा से फिर से राजनीतिक दृष्टि से देखना चाह रहे हैं। ये ऐसे हथकंडे हिमाचल प्रदेश के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते और ये ना चलने वाले हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, उनको उसमें आमंत्रित हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये G20 का एक देश जो आयोजन कर रहा है, ये सबके लिए गर्व की बात है। इसमें उनको भी इनविटेशन आया, तो वो निश्चित तौर पे इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। बता दें कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में रोड़ू के चेबड़ी बलासन सड़क मार्ग का एक वीडियो वायरल हुआ था और बागवान सेब को नाले में बहाते दिखाया गया था। मामले को लेकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई शुरू की और बागवान को नोटिस भेजा। बोर्ड ने बागवान को 1,00,000 का जुर्माना लगाया। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।